आज का जो टॉपिक है वो नेगेटिविटी को कैसे फाइंड करते हैं। नेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो आज का एक टॉपिक है वो है लेमन के साथ, एक नींबू के साथ घर की नेगेटिविटी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिल्मों में जब मैं छोटा था तो देखता था कि कहा जाता था कि अगर आपका घर का नींबू लाल हो गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर एक नेगेटिव ऊर्जा का वास है। तो जब मैं साइंस में आया तो मैंने सच में मतलब वैसे देखा कि जैसे जब नींबू को चार्ज करके उनके घर पे रखा तो 8 घंटे से लेके 24 घंटे के बीच बीच में उसका इतना ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, इतना लाल हो जाता है। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स इस वीडियो के साथ साथ दूंगा, तो सच में वो नींबू लाल हो जाता है अगर कुछ नेगेटिविटी होती है। अब सबसे पहले तो क्योंकि ज़्यादातर लोग, किसी ने कहा कि जी हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया लगता है, किसी ने कुछ तंत्र छोड़ा लगता है। 90% तो होता है कि आपके मन का वहम होता है, 90-95% ज़्यादातर आप ही, किसी ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन कोई बंदा बार बार सोच कर करके ये सोचता रहता है कि यार उसने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ किया है, क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता किस चीज़ की, कि हमें पता नहीं है कि कौन सी वस्तु या कौन से चक्रा की वीकनेस के कारण आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले तो हम चक्रास पे काम करते हैं कि अगर आपके चक्रास मतलब हम ठीक करेंगे, घर का वास्तु जो है, घर की ऊर्जा है उसको हम ठीक करेंगे, अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें ये थर्ड डायमेंशन में जाना पड़ता है कि नेगेटिव ऊर्जा को चेक करना होता है, कि उसके बाद चेक करते हैं कि किसी नेगेटिव ऊर्जा का असर तो नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर आपका जो डेली का खान पान है उसके कारण बीमारी आती है, अगर वो कम्बिनेशन सही नहीं है। दूसरा कुछ वास्तु के हैं। तीसरा, अगर देखिए अगर आपकी ऊर्जा अच्छी है तो वास्तु आपका अपने आप ठीक रहेगा, अगर आपकी ऊर्जा वीक हो गई तो आपका वास्तु भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। दोनों ये इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपका मेडिटेशन या सिमरन या जो भी मतलब आप करते आए हैं विद साइंस को, तो फिर आप ठीक रहते हैं, लेकिन साथ साथ आपकी सोच उस तरीके से होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले नेगेटिविटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। नेगेटिविटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी कोई नेगेटिव ऑरा आपके आभामंडल में आता है, आपके एनर्जी फील्ड में आता है, तो आपको एक घबराहट सी फील हो सकती है। घबराहट सी फील होती है, सिर में हैवीनेस आ जाना, और कभी कभी क्या होता है, ऐसे लगता है कि शरीर के ऊपर, यहाँ शोल्डर्स के ऊपर कुछ हैवी सा है। कभी कभी मैसेज आते हैं मतलब माइंड के ऊपर, क्योंकि दो माइंड हो जाते हैं, एक माइंड आपका होता है, मन आपका होता है, दूसरा मन जो है वो नेगेटिव ऊर्जा का होता है। वो आपके ऊपर बार बार मन के अंदर, जो मन की लेयर है उसके अंदर मैसेज देती है कि आज भी ये करो, ये करो, जहाँ चलो ये खाओ वो करो। तो क्या है, जब जिनकी विल पावर थोड़ी सी वीक हो जाती है तो उनके ऊपर ये चीज़ हैवी हो जाती है और उसका मन दूषित हो जाता है। मतलब मन जो है उसका दूसरे मैसेज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो बार बार जो नेगेटिव तरंगे होती हैं वो बार बार आपके मन में और आमें फेंकी जाती हैं। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और घबराहट सी होना, और उसके साथ साथ क्या है कि आपको कभी कभी लग सकता है कि कान है आपके ईयर में से हल्का सा कुछ ठंडी 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 पानी के जैसी, हवा के जैसी, या तो कोई चीज़ बाहर आती हुई नज़र आती है या फिर धीरे धीरे करके अंदर को सर करके जा रही फील होती है, अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो। ये भी एक नेगेटिव ऊर्जा का सिम्टम है कि कोई ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है। तीसरा, ये तीन चार हुए हैं, और क्या है कि जैसे आप डेली लाइफ में जो करते हैं, तो वो उसके जो आप नहीं करते उस तरीके की हरकतें करने लग जाना, ये भी एक जो नेगेटिव ऊर्जा का असर होता है, और उसी के कारण
आपकी जो हरकतें हैं वो चेंज हो जाती हैं। कुछ किसी के छूने का ढंग, किसी का चलने का ढंग, किसी का बोलने का ढंग, तो जो आपकी नॉर्मल हैबिट है वो नॉर्मल से थोड़ा सा आप चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही मतलब ऐसे सिम्टम्स तो इसके काफ़ी सारे हैं और भी हैं थोड़े से, लेकिन मेन है कि वो नेगेटिविटी के कारण हो रहा है कि चक्रा वीकनेस के कारण हो रहा है। उसके लिए मैं आज एक प्रोसेस बता रहा हूँ। वैसे तो डाउजिंग के ज़रिए, एल रॉड के ज़रिए और भी कुछ प्रोसेसेस हैं, आटे के ज़रिए, दिए के ज़रिए, कैम्फर लैंप के ज़रिए, तो ऐसे कई सारे प्रोसेस हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोस में तैयार करके दूंगा, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि किस तरीके से नेगेटिविटी को फाइंड किया जाता है। अब मेन मुद्दा है कि नेगेटिविटी है भी या नहीं, तो उसके लिए क्या है, एक नॉर्मल लेमन लेंगे आप। नॉर्मल लेमन जो होता है इसको मतलब थोड़ा सा देखिएगा कि साफ़ हो, इसके ऊपर दाग धब्बे कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर कोई एक आधा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लेमन को क्या करना है, दो लेमन ले लीजिएगा, क्योंकि एक लेमन को आपने एक्सपेरिमेंट के तरीके से देखना है और एक लेमन को आपने सच में चार्ज करके रखना है। तो जैसे क्या है, जो लेमन आपने चार्ज किया होगा अगर कुछ भी नेगेटिविटी हुई तो उसमें ही चेंज आएगी, वरना वो कोई चेंज नहीं होता। इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, कोई शेप चेंज नहीं होती। कई बार क्या होता है, अगर आप इसको रखते हैं तो इसकी शेप भी चेंज होती है। वो नेगेटिविटी के ऊपर होता है कि कितनी बड़ी है। अगर बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिविटी है, सच में कोई आत्मा का प्रकोप है, जब कोई सोल रहती है वहाँ पे, तो ये गल जाती है, ये नींबू गल जाएगा, इसका मतलब बहुत बुरा हाल हो जाएगा। 2-4 घंटों में, 8 घंटे, 10 घंटे के बीच बीच में ये पूरा का पूरा गल जाएगा। अदरवाइज़ अगर छोटी मोटी हुई तो लाल कलर में चेंज हो जाएगा। तो अब इसको करते कैसे हैं, जो मास्टर सिंबल्स कि सबने किया होगा, जो थर्ड लेवल वाले हैं, तो मास्टर सिंबल को हम इसके साथ, मास्टर सिंबल के साथ इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने की क्या प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले तो आप रेकी का आह्वान करेंगे कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, हे सर्वोच्च शक्ति मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मुझे एक सुरक्षा कवच प्रदान करें। और साथ में मैं इस नींबू के ज़रिए इस घर की ऊर्जा को चेक करने के लिए इस नींबू को चार्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी ऊर्जाएं हैं कृपया इस नींबू में आ करके डिस्प्ले हों, डिस्प्ले हों, डिस्प्ले हों, ऐसा 3 बार आपने इसको कहना है। तो इसको कहने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर सिंबल लगाएंगे, मतलब चारों सिंबल लगा दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मास्टर सिंबल तो लगाना ही है। मास्टर सिंबल, फर्स्ट सिंबल, मतलब मास्टर सिंबल डाइकोमियो हो गया, चौकुरे हो गया, डाइकोमियो हो गया, ये तो लगाना ही है कि हे सर्वोच्च शक्ति इस नींबू को शक्तिशाली करें, चार्ज करें। और साथ में इसको फिर बाद में 10 से 15 मिनट तक, ठीक है, आपने अपने हाथों में ऐसे रख लेना है, ठीक है, 10 से 15 मिनट तक अपने हाथों में रख के रेकी ऊर्जा देनी है, और साथ में मन से इसको रेकी से इंटेंशन देनी है सिंबल्स के ज़रिए कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है वो इसके अंदर डिस्प्ले हो, डिस्प्ले हो, डिस्प्ले हो, किसी भी तरीके का भूत प्रेत तंत्र मंत्र मारण उच्चाटन या किसी भी तरीके कोई भी ऊर्जा है वो सब इस नींबू के आकर के समाहित हो, समाहित हो, समाहित हो। तो ऐसा करके इसको 10 से 15 मिनट आपने चार्ज करना है। 10 से 15 मिनट चार्ज करने के बाद इसको किसी घर के कॉर्नर पे रख देना है, जहाँ फिर जिस बंदे के ऊपर लगता है कि इस बंदे के ऊपर नेगेटिविटी का कोई असर होगा उसके ऊपर उसके कमरे में कॉर्नर पे कहीं रख देना है। तो मैंने तो ऐसे भी देखा है कि कई घरों में मैंने रखा है जहाँ पे ऊर्जाएं, देखिए ऊर्जाएं सिर्फ नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी होती हैं। तो जैसे कोई साधक ऊर्जाएं भी होती हैं, जैसे कोई साधना सिमरन करते हुए कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, लेकिन वो पूर्णता अभी उसको नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं हुआ आत्मा का, तो फिर वो उसकी आत्मा भी भटकती रहती है कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं उस घर पे ही रुका हुआ होगा। तो शुद्ध ऊर्जाएं भी होती हैं, ऐसे नेगेटिव ऊर्जाएं होंगी, मतलब किसी तरीके की खाने पीने वाली ऊर्जाएं हैं या किसी भी तरीके का कुछ, वो हार्म करने की कोशिश करती हैं जो बंदा इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर थोड़ा सा असर डालती हैं कि वो पर्सन इसको ना करे, ना फाइंड आउट करके उनको बाहर ना निकाले। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कभी किसी के साथ हो तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ऐसा हुआ है। क्योंकि कोई भी ऊर्जा, जब आप किसी भी पर्सन को धक्के से उसके घर से निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब चाहे वो ऊर्जा के रूप में बैठी हुई है, चाहे वो पर्सन के रूप में बैठी हुई है, थोड़ा सा जोर आगे से भी लगता है, थोड़ा सा वो जो जिसको आप करेंगे
वो थोड़ा सा आपको अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सिर दर्द हो सकता है, आपके एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हो, इसमें कोई डरने वाली वैसे कोई बात नहीं है। अगर आपकी ऊर्जा स्ट्रांग है तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने नॉर्मली, लेकिन मैंने देखा है जो कि रेकी वाले हैं, चाहे नॉन रेकी वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, तो अगर आपकी ऊर्जा स्ट्रांग है तो फिर आपको कुछ नहीं होता। अगर कम है तो थोड़ा सा वो आपको हार्म कर सकती हैं ऐसी ऊर्जाएं, अगर आप वहाँ पे सच में कुछ नेगेटिव ऊर्जा है। तो ऐसे करके फिर नींबू को इस कॉर्नर में रख देंगे, कॉर्नर में रख देंगे, एक फ़ोटो ले लेंगे उसी वक्त, और एक फ़ोटो लेंगे हम 8 घंटे के बाद, एक लगेंगे 12 आवर्स के बाद, ऐसे 24 आवर्स तक, मैक्सिमम से मैक्सिमम 36 आवर तक आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो 24 आवर्स तक आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है। तो मैंने जहाँ पे कुछ पॉजिटिव ऊर्जाएँ रही हैं, मैंने ऐसे देखा कि वहाँ से कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही, कई बार लेमन ही गायब हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर पे कोई आने जाने वाला नहीं, कमरे को लॉक लगा हुआ है, फिर भी कोई बिल्ली, कोई चूहा, कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, फिर भी क्या है वहाँ से वो चीज़ गायब हो गई। कई बार ऐसा भी होता है जब थोड़ी सी और एडवांस ऊर्जाएँ होती हैं, तो थोड़ी सी बड़ी ऊर्जाएँ होंगी तो नींबू गल जाएगा, वरना क्या है लेमन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। चेंज जैसे कि ये जो लेमन का कलर है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये ब्राउनिश रेडिश सा हो चुका है और थोड़ा सा श्रिंक भी हो रखा है। मैंने इसको काट दिया है, तो फ़ोटो कुछ मैं साथ में डिस्प्ले में और कर दूंगा, वीडियो के साथ साथ थोड़ी सी दिख जाएंगी आपको कि किस तरीके से नींबू की जो शेप है वो चेंज होती है। ऐसे करके मतलब उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब जो नॉर्मल नींबू था, नॉर्मल नींबू और इस नींबू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि सच में कोई वहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा अवेलेबल है, ना कोई उसमें कोई मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि बिल्कुल आप कन्फर्म कर सकते हैं कि है। चाहे आप वो उस वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले आएँ, चाहे आप उसमें डाउजिंग करके देख लें, चाहे उसके घर पे मेंबर्स को पूछ लें, उनके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रोसेस या पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़रूर हो रही होगी। क्योंकि ये जो नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, कैसे लोग करते हैं, क्या क्या है, वो भी प्रोसेसेज हैं, वो भी मैं कभी वीडियो में करूँगा। अभी फ़िलहाल फाइंड आउट करना मैं सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद उसकी क्लीनिंग करनी होती है। मैं शुरू शुरू में क्या गलतियाँ करता था, शुरू शुरू में कोई पर्सन मेरे पास आया कि जी मेरी हेल्प कर दो, मेरे ये मुझे परेशान करते हैं, मेरे चाहे वो मदर है, चाहे कोई फादर है, चाहे कोई वाइफ है, चाहे कोई हस्बैंड है, तो कृपया इनको ठीक कर दीजिए। तो शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था, क्योंकि आज से 10-11 साल पहले से मैंने ये रेकी को स्पिरिचुअल विद्या में तो था, लेकिन रेकी के प्रोसेस में बाद में है, क्योंकि जब रेकी करते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो दूसरे का ऑरा थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हमारे ऑरा के साथ टच करता है, एंटर करता है। तो जब क्लीनिंग करी तो क्या है कि वो दूसरे बंदे की जो नेगेटिव ऊर्जा थी वो मेरे ऑरा में आ जाती थी और मेरे साथ बात करती थी। और मैंने ऐसे अघोरी तांत्रिकों की जो किए हुए वशीकरण थे, किए हुए मारण उच्चाटन थे, उनको भी ब्रेक किया है। तो दिखती हैं ये चीज़ें, फिर बात करती हैं आपसे, तो फिर वो कहती हैं कि जी हमें मतलब हम इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ थे। कोई कहता है कि इन्होंने हमारे परेशान किया था, हमें बहुत ज़्यादा गलत कार्य किए थे हमारे साथ, तो हमें इनके पीछे लगाया गया है। ऐसे सेंस करके आप फील कर सकते हैं, और थोड़ी सी मेडिटेशन बढ़ जाएगी, चक्रास की प्रॉपर एक्टिवेशन हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली। क्योंकि हवा को भी देखा जा सकता है, एनर्जियों को भी देखा जा सकता है, इनसे भी बात करके हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। पृथ्वी लोक से लेके देवताओं के, राक्षसों के, जहाँ तक भी अनंत मतलब प्रकृति के पर्सन्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, वो हर सुख चाहती हैं, खुशी चाहती हैं। तो जब किसी को कोई दुखी करता है तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी विपरीत ऊर्जा क्रिएट होती है और फिर थोड़ा सा पर्सन फंस जाता है। तो इसलिए अगर आप चक्रा साफ करते हैं तो फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, चक्रास की आप चार्जिंग करते जाइए। रेकी का प्रोसेस बहुत ही एडवांस है, बहुत ही शक्तिशाली है, इसके ऊपर कोई विद्या नहीं। जितने मर्जी ग्रह हों, जितने मर्जी आपकी कुंडलियाँ ख़राब हों, जितने मर्जी कुछ भी हो, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके।
साथ में रेकी के आप क्या है कि जो आप चाहते हैं उसके ऊपर भी फोकस कर लीजिए। रेकी तो करनी ही करनी है, साथ में फोकस करिए। अगर रेकी में आगे बढ़ना है तो अच्छे ग्रैंड मास्टर से मिलिए, साधु संतों से मिलिए जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित केंद्र हैं, और फिर आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आए, फिर ये सारा का सारा सूक्ष्म जगत आपके सामने, ये जो रहस्य बना हुआ है दुनिया के लिए अभी भी, वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मतलब मेरे आगे ये सब सामने क्लियर है, मेरा प्रैक्टिकल है, कोई ग्रंथों का पढ़ा लिखा नहीं है, साफ साफ। तो कुछ भी हो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आप लेमन को चार्ज करिए 10 से 15 मिनट दोनों हाथों में रख के, और उसको ऑब्जर्व करिए। अगर नेगेटिव ऊर्जा हुई तो सच में है, नहीं हुई तो आपका वहम है। 90% वहम होता है, 10% सच में नेगेटिव ऊर्जाएं काम करती हैं। तो इसको आप अपनाइए, देखिए और करके देखिए, तो पता चलेगा कि सच में ये आपको नींबू को चेंजेस आएंगी। अभी के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, प्रणाम।